मोदी सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो ध्वनि मत से ही गिर गया, उसमें वोटिंग की आवश्यकता नहीं हुई। लेकिन आज इतिहास रचा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव के समय जो कोई भी प्रधानमंत्री का जो संबोधन रहा है वो सबसे लंबा संबोधन अब प्रधानमंत्री मोदी के नाम हो गया है। इससे पहले लाल बहादुर शास्त्री ने 2 घंटे 12 मिनट का संबोधन दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अब संबोधन दिया तो 2 घंटे 13 मिनट का संबोधन दिया। हालांकि विपक्ष ने बॉयकॉट कर लिया, प्रधानमंत्री बोलते रहे लेकिन विपक्ष वहां से जा चुका था। और प्रधानमंत्री ने अपने इस संबोधन के जरिए 2024 का एजेंडा सेट कर दिया। अविश्वास प्रस्ताव पर 3 दिन के भीतर 18 घंटे की बहस हो चुकी थी। गुरुवार शाम 4:57 हुए, प्रधानमंत्री सदन के भीतर पहुंचे, अपनी सीट पर बैठे, पीछे से एक मोटी फाइल जिसमें दर्जनों कागज दिखे, देखकर समझ आ गया नरेंद्र मोदी फुल फाइनल इनिंग खेलने वाला कच्चा चिट्ठा लेकर आए। इसके बाद शाम 5:07 संबोधन के लिए खड़े हुए, फिर 133 मिनट के भीतर कांग्रेस का इतिहास याद कराते हुए, राहुल गांधी का वर्तमान बताते हुए, मणिपुर पर लंबा जवाब देते हुए, नए नवेले गठबंधन के नाम का विश्लेषण करके इंडिया गठबंधन के दलों का चरित्र चित्रण करते हुए, गरीब का बेटा, माँ भारती का अपमान, मुझको गाली, तीसरे टर्म में तीसरी आर्थिक ताकत भारत के वो तीर चलाए जिससे 2024 के चुनाव की पिच संसद से तय की। एक तरह से विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। और मैं आज देख रहा हूं कि आपने तय कर लिया है कि एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने सदन के भीतर 2024 का सबसे बड़ा कप जीतने का 100% भरोसा जनता के सामने रखने से पहले विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव वाली फील्डिंग पर तंज कसा। देखिए देखिए मजा इस डिबेट का कि फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। और विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नो बॉल नो बल पर ही करता आगे चलता जा रहा है। इधर से सेंचुरी हो रही है, उधर से नो बॉल हो रहा है। अध्यक्ष जी, मैं हमारे विपक्ष के साथियों से यही कहूंगा कि आप तैयारी करके क्यों नहीं आते जी, थोड़ी मेहनत कीजिए। और मैंने 5 साल दिया आपको मेहनत करने के लिए, 18 में कहा था कि 23 में आप आना, जरूर आना, 5 साल भी नहीं कर पाए आप। क्या हाल है आप लोगों का, क्या दारिद्र्य। इसके बाद प्रधानमंत्री ने पहले तो अलग अलग एजेंसियों के हवाले से दुनिया में बढ़ी देश की ताकत का हिसाब रखते हुए बताया कि विपक्ष सरकार के साथ पर दाग नहीं लगा पाएगा। उदाहरण में बताया कि नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। IMF की रिपोर्ट का हवाला दिया कि भारत ने अति गरीबी को खत्म किया। IMF की दूसरी रिपोर्ट के हवाले से बताया कि भारत सीधे खाते में पैसा पहुंचाने वाली DBT स्कीम और दूसरी योजनाएं भारत की लॉजिस्टिक मार्बल कही जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जल जीवन मिशन से 4 लाख लोगों की जान बचने का दावा किया और स्वस्थ भारत मिशन के तहत 3 लाख नागरिकों की जान की रक्षा हुई। इन आंकड़ों के साथ प्रधानमंत्री ने इस बात का ऐलान संसद से भी कर दिया कि 2024 में आएंगे मोदी ही। कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि हमारी सरकार के अगले टर्म में तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी टॉप अर्थव्यवस्था बनेगा। देश का विश्वास
मैं शब्दों में भी प्रकट करना चाहता हूं। और देश का विश्वास है कि 2028 में 2028 में आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे तब ये देश पहले तीन में होगा, ये देश का विश्वास। इसी विश्वास को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने 2024 में उनके सामने जुटे विपक्ष के गठबंधन की कमजोर नब्ज दबाई, नब्ज नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा ना होने की। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, गमंडिया गठबंधन है और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। इस गठबंधन ने यह भी नहीं सोचा है कि किस राज्य में आपके साथ आप किसके साथ कहां पहुंचे हैं। आदिर बाबू, 1991 पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव इन्हीं कम्युनिस्ट पार्टी ने अधीर बाबू साहब क्या व्यवहार किया था वो आज भी इतिहास में दर्ज है। अभी फिर प्रधानमंत्री ने सदन से ही मतदाताओं तक इस संदेश को अपनी तरफ से पहुंचाने की कोशिश की कि आज बीजेपी के सामने इकट्ठा होने वाले आगे बिखर जाएंगे। अभी हालात ऐसे हैं, इसलिए हाथों में हाथ, जहां हालात तो बदले फिर छुरियां भी निकलेगी। विपक्ष मोदी के संबोधन के बीच में ही वॉकआउट कर चुका था, बाहर आ चुके विपक्ष ने पीएम के भाषण को लेकर क्या कहा सुनिए। अफसोस की बात कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मणिपुर में जो उनकी राज्य सरकार केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार विफल हुई है उसकी जिम्मेवारी नहीं ली। आज भी उनके पास कोई स्थायी समाधान नहीं है, कोई साफ रोड मैप नहीं है कि मणिपुर में कब शांति आएगी। तो प्रधानमंत्री के बातों से आज पूरा मणिपुर राज्य असंतुष्ट है। बिल्कुल एक रूटीन कमजोर सा अनइंस्पायरिंग जवाब मणिपुर की जनता को प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट से अपनी रिप्लाई में दिया। प्रधानमंत्री ने अपने गम और गुस्से का इजहार नहीं किया कि वो उन पीड़ित महिलाओं के साथ जिनका रेप हुआ। कुछ इकोनॉमी के बारे में बोले, महंगाई के बारे में बोले, बेरोजगारी के बारे में बोले, नहीं तो मणिपुर के में विस्थापित पूरा बोले। हमारी अपेक्षा थी, इच्छा थी कि मणिपुर की बहनों के लिए बोले, जो अत्याचार हो से उसके खिलाफ बोले, लेकिन डेढ़ घंटे में उसमें से 90% टाइम वो इंडिया पे बोले। विपक्ष बाहर था, अंदर सदन में पीएम ने परिवारवाद वंशवाद परिवार के साथ बात दोहराई गरीब के बेटे से विपक्ष की सोच को लेकर। सच्चाई तो ये है देश की जनता ने दो दो बार 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार चुनी, लेकिन गरीब का बेटा यहाँ कैसे बैठा। आपको जो हक था आप अपनी पारिवारिक पीढ़ी मानते थे वो यहाँ कैसे बैठ गया। ये चुभन अभी भी आपको परेशान कर रही है, आपको सोने नहीं देती है और देश की जनता भी आपको सोने नहीं देगी, 2024 में भी सोने नहीं देगी। इस तरह विश्वास प्रस्ताव की बहस के तीसरे और आखिरी दिन को 2024 में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए जनता के बीच माहौल बनाने वाला नरेंद्र मोदी ने बनाया।